सिवनी में एक युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। भले ही कायाकल्प के मामले में सिवनी का अस्पताल प्रदेश में प्रथम आया हो, परंतु यहां पर नर्स और डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक 20 वर्षीय युवती की जान चली गई। दरअसल डिघोरी से 20 वर्षीय युवती अन्नपूर्णा सतनामी को पेट दर्द की तकलीफ थी, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उसे भर्ती तो करा लिया गया, मगर इलाज के नाम पर खानापूर्ति होती रही। परिजनों के बार बार डॉक्टरों से आग्रह करने के बावजूद भी नर्सों और डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया, जिसके कारण युवती ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। भांजी है और मैं एडमिट कराया हूँ 12 बजे से, तब से मैं साथ में यहाँ अस्पताल में हूँ और एक एक क्षण मैं यहाँ से कहीं भी नहीं गया हूँ। हमारी बच्ची की तबीयत 5:15 बजे ज़्यादा हो गई। हम डॉक्टर साहब के पास गए तीन चार बार। डॉक्टर साहब बोल रहे आ रहे 5 मिनट में आ रहे हैं। 3 बार गए 5 मिनट में आ रहे बोल दे, 4th बार में गए तो बोल रहे फाइल लेके आओ करके। फाइल ले, हम यहाँ से फाइल मंगा रहे कि डॉक्टर साहब फाइल मंगा रहे, हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने हमें, नर्स लोगों ने हमें फाइल नहीं दिए। हम नर्स लोगों के पास में 6 बार गए 1 घंटे के अंदर में, लेकिन यहाँ पे नर्स खड़ा हुआ ना डॉक्टर खड़ा हुआ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।